नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं करियर कैनवस शो, योर अल्टीमेट सोर्स फॉर जॉब वैकेंसीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। आज के एपिसोड में हम आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में निकली कई जॉब वैकेंसीज के बारे में नई अपडेट्स लेकर आते हैं। लेकिन शो शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे रिदम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करियर कैनवस शो। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय ने गृह मंत्रालय तहत कई पदों के लिए रिक्तियों की घोषणा की है। उपलब्ध पदों में उप निदेशक, प्रयोगशाला तकनीशियन और वरिष्ठ प्रशिक्षक शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर पा सकते हैं। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ने निश्चित वेतन वाले अनुबंध आधारित पदों के लिए भर्ती जारी की है। एक सहायक अधिकारी और एक वित्त सहायक शामिल हैं। आवेदन 21 अक्टूबर 2024 तक जमा होने हैं। विवरण के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाएं। श्रीमती MMK कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वाणिज्य में 2 पूर्णकालिक और अस्थायी पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। 1 सूचना प्रौद्योगिकी में और 1 पर्यावरण अध्ययन में भी है। नियुक्तियां कार्यभार और शिक्षा उपनिदेशक के अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। महिला, विकलांग और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन 15 दिनों के भीतर कॉलेज के पते पर प्राचार्य को जमा करना होगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन विभिन्न अनुबंध आधारित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। खुली भूमिकाओं में IPGL में प्रबंधक, महाप्रबंधक और मुख्य वित्त अधिकारी शामिल हैं। योग्यता, आयु और पात्रता की जानकारी के लिए कृपया इनकी वेबसाइट www.ipgl.co.in पर जाएं या फिर www.sdclindia.com देखें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध और रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल पुंगीवा नागालैंड संविदा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपलब्ध भूमिकाओं में गणित में स्नातकोत्तर, शिक्षक PGT, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान और नर्सिंग सहायक शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sainikschoolpungiwa.nic.in पर जा सकते हैं। कोयला मंत्रालय के तहत कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपलब्ध पदों में वित्तीय सलाहकार, क्षेत्रीय आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और सहायक अभियंता शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन CMPFO वेबसाइट www.cmp.gov.in पर जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में 8 नवंबर 2024 तक आयुक्त कार्यालय धनबाद झारखंड में जमा करने होंगे। देर से आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक और विश्लेषक पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। आयु, शिक्षा योग्यता और आवेदन प्रारूप से संबंधित विवरण के लिए कृपया NDTL की वेबसाइट https://ndtlindia.com पर जाएं। वैज्ञानिक और विश्लेषक पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 60 दिन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय निम्नलिखित पदों अवर सचिव और आशुलिपिक दोनों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप सचिव को प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी के लिए www.presscouncil.nic.in पर जाएं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जॉब वैकेंसीज हैं। आप बताए गए तरीके से इन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए बताई गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको हमारा ये शो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी रिदम ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको इतिहास और देश दुनिया के बारे में अलग अलग कंटेंट अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेगा।
जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया एपिसोड, लेकिन तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें।